श्री राम। राम, हे राम, राम, सुग्रीव, हमार मृत्यु के पश्चात हमार पुत्र अंगद के पिता और रक्षक तू ही बड़ा भैया, ओकरा के अपन पुत्र के तरह ही प्यार दिया। रवा चिंता मत करी भैया, अंगद किष्किंधा के युवराज हा और युवराज ही बनल रही। एको अंतिम प्रार्थना बा। आज्ञा दी भैया, आज्ञा दी। किष्किंधा के राज सिंहासन पे बैठने के बाद भी कबो तारा के तिरस्कार मत करिए सुग्रीव। ना भैया ना, ओकर परामर्श के अवहेलना मत करिए। बिना संदेह ओकर सहमति मनबा, किष्किंधा के भला होखी। हाँ भैया। रघुनंदन, हमार मृत्यु के उपरांत केहू हमार तारा के तिरस्कार न करे। निश्चिंत रहा बाली, तारा के सम्मान जैसन बा वैसन ही बनल रहे। पिताश्री, 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 स्वामी, पिताश्री, स्वामी, पिताश्री, स्वामी, ये क्या हो गई स्वामी? हम बार बार राव चरण पकड़ के विनती केले रहे कि ये समय सुग्रीव से युद्ध मत करे जाए। स्वामी, ये राव स्थान ना है स्वामी, बड़ बड़ गिरिराज जेकर ठोकर से धूल हो जाले, वो स्वयं धूल में बाड़े ना स्वामी ना। उठी रुआ मत तारा, रुआ मत, तोरा सामने तीनों लोग के स्वामी प्रभु श्री राम खड़ा बाड़े। बस तारा, उस सास शेष बचल बा, फिर जहां चाहे ले चलिए। पिताजी, भैया, रघुनंदन, हमार पुत्र अंगद हमरा के अपन कंधा पे उठा के ले जाए। प्रभु, हमार पुत्र अंगद के भी अपन शरण में ले ली, और जॉन्स ने रउआ सुग्रीव के दिले बानी वे प्यार एकरो के देहब। बस रघुनंदन, परम संतोष हो गए लब। अंगद, पिताजी, आपन पिता के समान आपन बल के दुरुपयोग कबो मत करिया। आपन काका सुग्रीव के आज्ञा मनिया, और कबो उनकर शत्रु के साथ मत दिया। तारा, तू तो ज्ञान के सागर हो, ज्ञानी हो,
अकेले आवल और अकेले गैल ही परम सत्य है। तुहार हमारे साथ बस इतने शेष है। ना स्वामी, ना हम रवा से अलग नहीं खेल सके। जहाँ रवा वहाँ हम। ना तारा, सितारा आकाश से टूट के कबो आकाश में ना चला है। स्वामी भैया राम 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 स्वामी राम स्वामी राम ना स्वामी भैया पिताजी भैया पिताजी स्वामी भैया भैया पिताजी हे राम, करुणा निधान है ना, तो हमरा पे करुणा करी। जौन बाण से हमार प्राणनाथ के वध कैले बानी, उहे से हमार अंत करके हमरो के हमार पति के पास भेज दी। जेकरा से उनका हमार विरह के कष्ट न भोगे के पड़े। ये समय रहुआ शोक सागर में डूबल बानी देवी तारा, यही से सबको जान के भी रहुआ ज्ञानी जैसन बात कर रहल बानी। यदि रहुआ बाली के शरीर के आपन पति मानत रहली तो शरीर तो अभी भी पड़ल बा, जौना विरह के रहुआ बात कर रहल बानी। यदि रहुआ बाली के शरीर के अंदर ना दिखाई देवे वाला जीवात्मा के आपन पति मन ली तब अमर बाड़े, अविनाशी बाड़े, उनकरा सदा अपना साथी अनुभव करी। उनकर शोक मत करी। लक्ष्मण, बाली के अंतिम संस्कार कर जाए ताकि उनकरा सदगति प्राप्त होके। संगत, अपन पिता के अग्नि दे के उनकर आत्मा के शांति प्रदान करा।
बलपूर्वक पुत्र बलपूर्वक। अति सुंदर, अति उत्तम। सदैव विजयी भव। सदैव विजयी भव पुत्र अक्षय कुमार। सदैव विजयी भव। अक्षय अमर भाई। प्रणाम महाराज। महाराज बाली के वध हो गए बा। रहस्य। गुप्तचर समाचार लाइल बा लंकेश। का संदेश भेजले बा। किष्किंधा नरेश बाले के वध हो गए। ना ऐसा नहीं के हो सकत। ऐसा नहीं के हो सकत। इता हो कहीं के रहे। हमरा तो पहले ही एकर आशंका रहे। परंतु ऐसा भइल बा महारानी। महाबली बाली के बाद भइल बा। परंतु कैसे? युद्ध में सुग्रीव के साथ है। असंभव। सुग्रीव महाबलशाली के वध नहीं खे कर सका। ओकरा में इतना सामर्थ्य ही नहीं खे। परंतु सुग्रीव वध देखे कहीं ले लंकेश। सृष्टि में इतना बलशाली कौन पैदा हो गए जन बाली के वध कर सकेला। राम 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 राम। वो तपस्वी, वो भिखारी राम। रघुनंदन राम। हमार प्रभु बाली के वध कैले। हमार राघव बाली के वध कैले। माता इहे बाली रावण के अपन कांक में दबा के चार समुद्र पार संध्या वंदना कैले रहे ना। ऐसन बलशाली के वध हमर रघुवीर कैले। माता त्रिजटा हमार अनुमान उचित ही रहे। रघुनंदन लंका आवे के मार्ग ढूंढ रहल बाड़े। हमरा किया से मुक्ति करावे खातिर हर प्रयास कर रहल बाड़ी हूँ। रावण के मित्र बाली के वध के अर्थ ई बा कि उनका पता चल गयल बा कि हमार हरण ई दुष्ट रावण ही कैले बा। माता विमान से हम अपन आभूषण कुछ वानर के पास फेंक ले रही और अब वानर राज आबाली के वध सब कुछ स्पष्ट हो रहल बा। माता हमरा सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहल बा। जॉन बाली रावण के दमन कैलस उहे बाली के दमन हमर रघुनंदन कैले। माता काई दुष्ट पापी रावण खातिर एगो संकेत नहीं खे कि ओकर विनाश निकट बा और निश्चित बा। राम बाली के वध कैलास ऐसे आतंकित होके के आवश्यकता नहीं खे विभीषण। ना भ्राता श्री, हम कहाँ आतंकित भइल बानी। हम तो केवल रउआ के सतर्क कइल चाहतानी। सतर्क? लंकेश और सतर्क। विभीषण लंकेश के नाम मात्र से ही
देवेंद्र तक भयभीत हो जाले। फिर ये राम कहा? फिर भी स्वामी, यदि रउआ सीता मंदोदरी लागता भाभी के मन में कौनो शंका उठल बा। मंदोदरी, विभीषण, आज के बाद हम सीता के बारे में कुछ भी नहीं की सुनल चाहत। कैसे समझाई लंकेश के? हमरा जे भी संकेत मिल रहल बा उ लंका के हित में नहीं खे। भाभी श्री, हम त रउआ के पहले ही कहले रहे, ओनी बलवान हो खेला, ओकरा के टालल नहीं की जा सकत। फिर भी देवर जी, लंकेश के हित खातिर हम होनी के टाले के पूर्ण प्रयास करब। सीता, महारानी मंदोदरी तहरा से मिले आइल बाड़ी। लंका की महारानी के प्रणाम। रघुनंदन श्री राम के पत्नी के हमार प्रणाम। तू बहुत सुंदर बाड़ू जानकी, हमार पति तहार हरण कैले, तय में उनकर ना तहार सौंदर्य के दोष बा। महारानी मंदोदरी, रउआ अपन पति के अपराध पर पर्दा डाल के प्रयास कर रहल बानी। ना जानकी, ए समय हमरा दुख ए बात के बा कि यदि परमेश्वर हमरा के तहरा जैसन सुंदरता प्रदान कैले होते त हमार पति के ध्यान तहरा ओर जाय थी ना। रउआ सुंदरी बानी महारानी, फिर भी राउर पति अन्य स्त्री के बुरा दृष्टि से देखे ले, उनकर चरित्र ही खराब बा। महारानी, ओकर दुर्भाग्य ई बा कि अब की बार उ आपन बुरा दृष्टि रघुनंदन राम की पत्नी पर डल ले बा। जैसे बाली के बाप के घड़ा भरल रहे, ओई सही राउर पति के पाप के घड़ा भी भर चुकल बा। अब हमार कुदंडधारी रघुवीर अपन कुदंड धनुष से एगो बाण छोड़ के राउर पति के ओइसन मृत्यु दंड दी है जैसन उ बाली के देले। जानकी, हम त तहरा पास अपन पति के रक्षा हेतु आयल बानी। महारानी, हाँ जानकी, हम तहरा पास लंकेश खातिर अभय मांगे आयल बानी। लंका के महारानी होके के अधिकार से हम तहरा के लंका के बाहर भेजे आयल बानी। हम तहरा के सुरक्षित तहर पति रघुनंदन श्री राम के पास भेजे के व्यवस्था कर दे। हमरा के भ्रमित मत करी महारानी। जानकी, हम सत्य कह रहल बानी। महारानी, सत्य कभी असत्य के रक्षा ना करेला, सत्य असत्य के विनाश करेला। विनाश के टाले खातिर ही हम तहरा पास आयल बानी। विनाश अब अटल बा महारानी। ए लंका के भी और लंकेश के भी। रउआ के होतानी सीता के राम के पास भेजे वाला रउआ अच्छा तरह से जानतानी। सीता हमरा पसंद भी आ, अरे ही से हम ओकर हरण कैले बानी और वो लंकेश के रानी बनके लंका में ही रही। किंतु महारानी मंदोदरी, महारानी केवल रउआ है रउआ,
और जब तक रउआ जीवित रहब केहू राउर स्थान नहीं खेले सका। बोल चुकनी महाराज कि अभी कुछ बोले के बाकी बा, हम सीता से जे भी कहनी उकरा सुन के रउआ हमरा पर ऐसन बिगड़े लगनी जैसे हम महारानी ना ए भवन के कोनो सेविका हई। हम सीता से कहनी कि यदि वो चाहत अड़ी तो हम उनका के लंका से बाहर भेजे के प्रबंध कर सकीला, किंतु हमर बात के माने के स्थान पर हमरा के धन्यवाद देवे के स्थान पर वो ऐसे ना कर देली जैसे हम उनकर अहम के बहुत भारी ठेस पहुंचा देले होखी। का सीता ना कर देलस? अर्थात अर्थात सीता लंका में ही रही? सीता लंका में ही रही। जय श्री राम।